Hi guys, welcome to my YouTube channel MSJ Loose Walk. So today guys, I'm going to Tower Bridge. Inside the Tower Bridge, I never been there. मैं कभी यहाँ पे नहीं आया, अंदर गुजरा हूँ काफ़ी दफ़ा लेकिन अंदर कभी नहीं आया, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि अंदर जा सकते हैं या नहीं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि टावर ब्रिज के ऊपर का जो वॉकिंग ग्लास है, वॉकिंग वे है, वो कैसा है और यहाँ के लोगों ने, किस तरीके से मज़दूरों ने यहाँ पे कैसे काम किया, कौन सा इंजन जो था वो चलता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। थिंक यू वॉन्ट टू कम इन योर व्हीकल, सो आई विल टेल यू एंड ऑफ द वीडियो, आई विल टेल यू हाउ कैन यू पार्क चीपेस्ट प्राइस एंड अवॉइड द कंजेशन एरिया। तो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है अगर आप अपनी गाड़ी में यहाँ आते हैं, तो आप बहुत ही चीप अमाउंट पे करके यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं घंटे दो घंटे के लिए, एंड यू कैन एंजॉय। सो दैट्स कॉल्ड अ टावर ब्रिज और इसको कहते हैं वॉकवे। ये बसेस आप जो देख रहे हैं रेड कलर की, ये टूर विजिट बसेस हैं। ये वो पिलर हैं जिन दो पिलरों पे टावर ब्रिज खड़ा है। मीटर इसकी लेंथ है और 65 मीटर इसकी हाइट है। ईच टावर की हाइट 65 मीटर है। हम पहुंच गए हैं टावर ब्रिज, तो अभी आपको दिखाएंगे कि ऊपर कैसे जाना है। तो ये सारी ये जो आप देख रहे हैं ये रिवर थेम है और ऊबर बोर्ड भी आपको चलती हुई नज़र आ रही हैं, वो सारा ऑफिसेस एरिया है। वी आर इन द क्यू राइट नाउ, क्यू बहुत बड़ी है अंदर जाने के लिए और ठंड बहुत ज़्यादा है। सो आई बॉट टिकट ऑनलाइन, यहाँ पर आया तो इन्होंने मुझे स्कैन करके टिकट प्रिंट आउट करके दे दिया। यहाँ पर पर्सन 11 pounds 40 pence इसकी टिकट है और आप टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं किस टाइम पे आपको विजिट करना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। अब ऊपर जाएंगे हम और इन पुरानी पिलर्स को, इन पुराने लैंटर्स को हाथ लगा के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कितने 100 साल पुराने हैं और बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। तो ये वो लिबास है, ये वो ड्रेस है जिसको पहन के पानी के अंदर जाया जाता था और नापा जाता था पिलर कि क्या सिचुएशन चल रही है, नीचे देखते थे कि किस तरीके से पिलर को बनाना है, मेंटेन करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। सो मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे हाइट लिखी हुई है, लेंथ लिखी हुई है, मेजरमेंट क्या, किसकी, कौन से ईयर में कितनी मेजरमेंट हुई थी, फिर उसको रीबिल्ड किया गया, तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे वो साइकिल भी रखी गई है जिसका एक टायर बड़ा होता था और एक छोटा होता था। तो ये लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के यहाँ पुरानी फिल्म देख रहे हैं, किस तरीके से बनाया गया है, क्या माहौल था। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ऊंचाई पे आके ये व्यू आप देख सकते हैं कितना प्यारा है लंदन का। तो अब हम एंटर हो रहे हैं वॉकवे पे। तो ये बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे इन्होंने ये बनाया है, इनके इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि कब कौन से ईयर में क्या हुआ था। और सामने जो है एक और वॉकवे है। सो इस ग्लास को कंटिन्यूसली क्लीन किया जाता है, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे का नज़ारा।
सो इसी तरीके से जब आप टिकट बाय करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ये ब्लू ड्रेस में आप देख रहे हैं ये गाइडेंस हैं और ये गाइड कर रहे हैं सारी चीज़ें। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लास, यहाँ से इसके ऊपर से एक हाथी गुजर सकता है। और यहाँ से मैं आपको रिवर थेम का व्यू दिखाऊं, माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है नीचे का। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इसीलिए कि मेरे पीछे से थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही है क्योंकि अंदर बहुत गर्मी है। अगर कोई आता है तो ये सोच कर आए कि यहाँ पर अंदर हीटिंग चल रही है। इसी तरीके से और भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए इनके हीरो की, जिन्होंने ये बिल्ड किया है और किस तरीके से इन्होंने बनाया है, इसको सारी इंस्ट्रक्शन। सो सैंपल के तौर पे ये मेटल के पार्ट्स लगाए गए हैं जिनसे ब्रिज ज्वाइंट हुआ है। सो अब हम जाएंगे साउथ टावर की तरफ और देखेंगे यहाँ पे क्या है। ये जैसे मैंने ऊपर देखा कोई, तो यहाँ पे स्टैचू बनाए हुए हैं कि इनकी लेबर, इनके मजदूरों ने, इनके हीरो ने किस तरीके से मेहनत से काम किया है, इस टावर ब्रिज को बिल्ड किया है। बहुत सारे स्टैचू बनाए हुए हैं आप देख सकते हैं। सो ऐसी जगह पे आके ना ऐसा लगता है कि ये आपके सामने अभी ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। सो टावर ब्रिज को अभी तक 7 times पेंट किया गया है, आप देख सकते हैं इसको। टावर में ही छोटा सा स्टॉल बनाया हुआ है, क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है और यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज़ें ये लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा करीब से आपको दिखाता हूँ। ओरिजिनल थिंग, और ये कोई चाइना नहीं है कि मेड इन चाइना इस पर लिखा हुआ हो, ये सब ओरिजिनल है। कोई मेटल का है, कोई फोम का बना हुआ है, कोई कपड़े का बना हुआ है। ये सारी फेमस चीज़ें इन्होंने बना के यहाँ रखी हुई हैं। बसेस हैं, टेलीफोन बूथ हैं, टैक्सीज हैं, इनके प्राइस किसी के 3.5 pounds हैं, किसी के 4 pounds हैं। और ये बॉक्सेस में पेन हैं, गार्ड्स हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे आप देखें, क्वींस के क्राउन यहाँ पर बने हुए हैं, इनको आप बाय कर सकते हैं 3, 3.5, 4 pounds यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस में हैं ये। सो नाउ वी आर गोइंग टू इंजन रूम एंड शॉप। सो अंदर टॉयलेट भी हैं, लेडीज जेंट्स सबके लिए अलग अलग टॉयलेट हैं, डिसेबल लोगों के लिए अलग टॉयलेट हैं, लिफ्ट बनी हुई है अंदर। तो अब हम जाएंगे इंजन रूम की तरफ, ये हम बाहर आ चुके हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस ब्लू लाइन, आप इस ब्लू लाइन के ऊपर चल के इसको फॉलो करके इंजन रूम की तरफ जा सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हम जाएंगे इंजन रूम की तरफ, ठीक है। तो वहाँ देखा जाएगा कि किस तरीके से इस ब्रिज को ओपन करते हैं, रेस करते हैं। ये जो ब्रिज है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये खुल जाता है। तो मैं इंशाल्लाह ताला अभी इंजन रूम में जाके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। इस पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ का यहाँ विज़िट करते हैं, इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे मूंगफली वाला भी खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब हम एंटर होंगे इंजन रूम एंड शॉप की तरफ।
मैंने लिया है ये। गाइस दिस इज अ इंजन रूम और आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारा। सो ये वो इंजन है जिसको कोयलों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता था और ब्रिज को खोला जाता था, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से खोला जाता था। उसकी टाइम लिमिट 60 सेकंड होती थी जब भी कोई भी बड़ा शिप गुजरता था। सो इस बटन को मैंने प्रेस किया और अब ये देखें सारी मशीन किस तरीके से काम करती है, सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाउ टावर ब्रिज बिकम फुली इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पावर्ड। तो यहाँ पे मज़दूरों के लिए वो पुराना नल जो अभी यूज़ में नहीं है और उनके पुराने कपड़े यहाँ पे लटके हैं उसी हालत में। तकरीबन 20 टन कोयला एक वीक में इस्तेमाल किया जाता था इस ब्रिज के को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे उन मज़दूरों के जूते भी हैं ओरिजिनल हालत में और कपड़े कोट है ये। सो ये इंजीनियर्स की राइटिंग है, हैंड राइटिंग ओरिजिनल इतने साल पुरानी, जो इसको महफूज किया गया है ग्लास फ्रेम के अंदर। So these tools they were used for that machinery. सो काफ़ी सारी ज़ुबानों में, काफ़ी सारी लैंग्वेज में लिखा गया है थैंक यू फॉर विजिटिंग। के लिए तकरीबन आपको एक से डेढ़ घंटा चाहिए और मैंने आपको देखें कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाई हैं, इंजन दिखाए हैं, औजार से काम किए गए हैं, वो औजार दिखाए, वो इक्विपमेंट दिखाए मैंने आपको और कितना पुराना है वो मैंने आपको बताया। नियर टू योर डेस्टिनेशन। So the application called Just Park and you can log in and then you can pay online as well and it's very cheap amount you can pay and you can avoid the congestion charges. So guys agar aapko video pasand aayi hai to like kare, subscribe kare, share kare taki main mazid aapko aur achhi achhi video bana ke aapko dikhaun. Thank you so much and see you soon, bye.